अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम आसिफ है। राउफ और उसके भाई मेरे पे अटैक करे। देखिए यहाँ पर ये कल रात में हुआ भैया, 9:30 को अटैक हुआ। मैं 9:50 को आके पीएस में कंप्लेंट करा। पीएस में 24 घंटे हो गए, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया ना। और उन्हें मेरे को बोल के जा रहा मेरा मर्डर कर देता हूँ, बोल रहा। और क्या बोलते सो मेरे को मार देता हूँ, करता हूँ, बोल रहा। तो बचप खाली बोल रहा। और उसके पूरा फैमिली बैकग्राउंड रोडी शीटरों का है। उसके वालिद साहब की रोडी शीटरी खुली है लंगर हाउस पीएस में, उसके वालिद साहब भी मर्डर करे हुए। अब मेरे को बोल लेके जा रहा, तो खाली बचप बोल रहा उन्हें। और मेरे को तेलंगाना हुकूमत से और होम मिनिस्टर साहब से के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरे को प्रोटेक्शन दीजिए। और लंगर हाउस पीएस सर्कल साहब से रिक्वेस्ट है कि एक्शन जल्द से जल्द एक्शन ले। उन्हें मेरे को बोल और खुला बोल रहा उन्हें कि मैं मार देता हूँ तेरे को, बोल रहा उन्हें। मेरे भाइयों पे भी अटैक कर दे रहा, मेरे भाइयों को हेरेसमेंट कर रहा था उन्हें। तो मैं बात कर रहा हूँ उसके भाई से, कई कर रहे ऐसा समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मैं अटैक कर दिया उसका रऊफ, अटैक कर दिया मेरे पे। मैं बोल रहा हूँ भी उसको, खाली बात करना है रे भाई, बात करना है भाई, बोल तो सुन रहा नहीं उन्हें, अटैक कर रहा मेरे पे। झगड़ा करने की वजह क्या है साहब? मेरे छोटे भाइयों पे हेरेसमेंट कर रहा था साहब। आपके छोटे भाई पे हेरेसमेंट करे तो आप बात करने का? मैं बात करने का, समझाने का, लोगों को बोलना, सुन रहे नहीं मेरे पे, अटैक कर दे रहे सब डायरेक्ट। तो आप कंप्लेंट करे साहब? हाँ, लंगर हाउस पीएस में कंप्लेंट कर दिया साहब। आपके पास? जी हाँ है। कहाँ है साहब? यहाँ पे है साहब। तो आप तेलंगाना पुलिस से क्या चाह रहे? प्रोटेक्शन होना बोल रहा हूँ साहब मैं। ठीक है सर।